हेलो एवरीवन, आप सबके लिए मैं एक बूंदी का रायता लेके आई हूँ। तो आप लोग हम लोग को सबको बूंदी का रायता बहुत पसंद है, तो ये मैं हल्दीराम का बूंदी का पैकेट लाई हूँ। और बहुत कोई को बूंदी का रायता बनाने नहीं आता, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं आता था, बट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आप लोग को भी सिखा रही हूँ। और आप लोग बताइए, मैं ये कर्ड निकाली थी फ्रीज में, एकदम ठंडा एकदम मलाई वाला, मेरा ये दही जम चुका था। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने बूंदी को फूलने के लिए छोड़ दिया और कर्ड को मैं मिक्स कर दी कि ये तो थोड़ा पतला हो जाए। पर मेरे घर में एकदम पतली वाली दही किसी को नहीं पसंद, मुझे खास कर नहीं, मुझे गाढ़ी। और यहाँ तो मैं बूंदी को फूलने के लिए छोड़ दी हूँ। तो देखिए बूंदी मेरा फूल चुका है, दही मेरा विक्ट हो गया, बस 2 मिनट में ये बूंदी का रायता रेडी हो जाता। आप चाहे छौंक का रायता या छौंक का यथी का इसमें दीजिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरा बूंदी बन चुका है कि नहीं। मैंने इसमें क्या डाला, कैच मसाला, चाट मसाला दिया, गोलकी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर मैंने ये डाला। जो आपका बेसिक मसाला है वो डाल दो और बूंदी डाल दो, उसके बाद एक छौंक लगा दो, या फिर मैं बूंदी यहाँ डाल दी। और सच में यार बहुत टेस्टी लगा। और एंड में नमक ज़रूर डालिएगा आप लोग, मैं नमक यहाँ पर नहीं दिखाई थी डब्बा, बट बहुत यम्मी सा मेरा बूंदी का रायता बनके रेडी हो गया। तो आप लोग को मेरा ये प्यारा सा छोटा सा बूंदी का रायता अच्छा लगा हो, यहाँ पे मैं देखी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है। अरे आप रोटी के साथ, चावल के साथ या किसी चीज़ के साथ ये बूंदी का रायता यम्मी सा आप खा सकते हैं। और ये देखिए, ये हल्दीराम का बूंदी का मैं ली थी पैकेट में, घर पर भी एक बार ट्राई की थी बेसन को घोल कर उकल, पर उतना बढ़िया नहीं बनता। तो हम लोग सिंपल में हम लोग बना सकते हैं, जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। तो आपको ये मेरा प्यारा सा बूंदी का रायता अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा यहाँ पे 69 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, प्लीज़ यार गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।